वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब दा साडे धार्मिक चैनल परम बाणी विखे स्वागत करते हाँ। सो साध संगत जी, अज आपां विचारां सांझियां करनियां हन कि बीबियां भैणां औरतां जिन्हां नूं महावारी आउंदी है, मासिक धर्म जिन्हों आपां कह दिंदे हाँ, कि उस वेले उस समय वो पाठ कर सकदियां हन, गुरबाणी पढ़ सकदियां हन जां नहीं। गुरु साहिब इस बारे की आखदे हन, गुरबाणी दा इस बारे की विचार है, की मर्यादा है। सो आपां सारयां ने बड़े ध्यान नाल सुनना है ते फिर ही कोई अर्थ कढ़ना है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा तो ही बीबियां नूं बड़ा ही सत्कार दिता है। सो इन्ना सत्कार आपां किसे होर धर्म विच नहीं देखते। मुसलमान धर्म विच बीबियां नूं बुरका पा के रखण लई कहा जांदा है। कई थां ते तां इह ना मन्नण उपर हिंसा भी हो जांदी है। आपां हिंदू धर्म दे ग्रंथां विच देखते हाँ कि बीबियां नूं कई थां ते पैरां दी जुत्ती तक लिखिया गया है, पर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म विच बीबियां नूं उच्चा सत्कार दिता है। गुरु नानक देव जी अपनी पवित्र बाणी श्री आसा जी दी वार विच लिखते हैं, भंड जमी है भंड नेमी है भंड मंगण विया हो, कि इस्त्री तो तुसी जमदे हो, इस्त्री दे ढिड विचों तुसी जमदे हो, कि इस्त्री द्वारा ही तुसी पाले जांदे हो, भंड मंगण विया हो, फिर इस्त्री नाल ही विया हुंदा है, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो। अगे जो रिश्तेदारियां रिश्ते बनते हैं इस्त्री नाल ही बनते हैं, इस्त्री बिना रिश्तेदारी नहीं चल सकती। भंडो चले राहो, भंड नाल ही यह संसार यानी इस्त्री नाल यह संसार चलता है। भंड मुआ भंड पाली है भंड होवे बंधान, जे किसी की इस्त्री मर जाती है ना फिर भी इस्त्री ही पालते हाँ, भंड पालीए भंड होवे बंधान, फिर उसे नाल अगे बंधान जानी रिश्तेदारियां अगे फैलदियां हन। सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजान, सो उस इस्त्री नूं मंदा क्यों आखना है जिसने वड्डे वड्डे राजियां नूं जन्म दिता है। भंडो ही भंड उपजै भंडै बाज ना कोई, भंडो ही भंड उपजै, भंड यानी इस्त्री नाल ही संसार चलता है, इस्त्री बिना संसार नहीं चल सकता। नानक भंडै बाहरा इको सच्चा सोए, गुरु नानक देव जी लिखते हैं, हे नानक इस भंड इस इस्त्री तो बाहर सिर्फ एक सच्चा अकाल पुरख परमात्मा है, इस तो अलावा इस तो बाहर कुछ भी नहीं। सो गुरु नानक देव जी हमेशा तो ही इस्त्रियां का सम्मान करते आए हैं। सो आपां अपने विषय से आईए कि कई बीबियां सवाल कर दिया हन, कई बीबियां पुछ दिया हन कि जदों मासिक धर्म आता है तो साढ़े घर दे सानू रसोई विच नहीं वड़न देंदे, साढ़े घर दे सानू घरों बाहर तक कढ देंदे हन, जां गुरद्वारे जाण तो मना कर देंदे हन, जां सानू पाठ ना करन दी सलाह दित्ती जांदी है। सो ये सब मन मत्तां हन, गुरबाणी दे उल्ट मत्तां हन, ये सब बेवकूफियां हन। जो भी इन्हां मतां नूं मन्नदा है जां तां उह गुरु नानक देव जी उपर यकीन नहीं करदा जां फिर बड़े पापां दा भागी है। सो आपां इन्हां विच नहीं आवणा। जो गुरबाणी विच लिखिया है कि सुच्चे ए ना आखियन बैण जे पिंडा धोए, सुच्चे सही नानका जिन मन वसिया सोए। सो सुच्चे ओ नहीं हन जो ए पिंडा धो के बह जांदे हन, क्योंकि पिंडा तो सुचा हो ही नहीं सकता। अपनी जीभ सदा झूठी है, नक विचों सदा रस बाहर आते रहते हैं, अपना शरीर कदे भी सुचा नहीं हो सकता। सुचा की हो सकता है भाई, फिर सुचा हो सकता है अपना मन। किवें? गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी सुन के, गुरु की विचारां नूं अपने जीवन विच लगा के। सो गुरबाणी अनुसार सुचा सिर्फ मन हो सकता है, तन कदे भी सुचा नहीं हो सकता। हाँ इशनान जरूरी है, गुरबाणी ने भी अमृत वेले दा इशनान मन्या है, उठ इशनान करो प्रभाते मन तन पए अरोगा। सो शरीर दी सुचमता रखनी है, ना तो के जो भी अपना समा है, जो भी कुदरती देन है, जो भी कुछ चलता है उसते विचार बाला नहीं करना। शरीरिक जो चीजा हन परमात्मा दी देन हन, जे ए ना होन तां
ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਕ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਸਕ ਧਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਈ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਪਰਮ ਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।